हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वीडियो नंबर 38 क्लास 12 की प्रॉब्लम करेंगे अपन। चैप्टर नंबर कौन सा था वो 5, ठीक है, उसकी मिसलेनियस की प्रॉब्लम है, ठीक है, विविध प्रश्नावली को, ठीक है, उनमें से जो आपने बताया उसमें से मैंने सेलेक्ट करिए। पहले आपने बता रहे सबसे पहले 19 देखिए, ठीक है, बताने सारे लेकिन कौन सा ऑर्डर मैंने तय किया ताकि आपको आसानी रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है कि यदि इफ 1-4 3-2 इंटू में एक्स है बराबर ये दे रखा है -16 -6 7 और 2, तो इस एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू निकालो। तो ये एक्स मैट्रिक्स क्या है, समझ रहे हैं आपको, देखो बेटा इसको हटा, मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी मान लेता हूँ, मान ले मैट्रिक्स 1-4 3-2, ये तथा बी बराबर क्या होंगे, ये -16 -6 7 और 2, थोड़ी देर में इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। ए का सारणी का मान, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ध्यान रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे माइनस 2-10, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अगर देखा जाए तो ये जो अपनी ये थी 1/3 या ए का इन्वर्स निकालना था, तो पहले मैं एडजॉइंट ए निकाला, कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसी इनको बदल दो और इनके चेन बदल दो, ठीक है, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इन्वर्स क्या हुआ, एट जॉइंट ए अपॉन सारणी के कमान डिटरमिनेंट इक्वल डिवाइड कितना हो जाएगा, ये -2 -3 4 1 अपॉन, इसमें 1/14 और ये मैट्रिक्स, ठीक है, क्यों निकाला अभी पता चल जाएगा। अब जो क्वेश्चन अपना वो ये 1-4 3-2 एक्स, इसकी वैल्यू मैंने क्या मान रखी, मैंने ए मान रखा, ए एक्स बराबर बी, मुझे एक्स से लेकर ए हटाना है, मैंने क्या करा दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा, आपको ध्यान दो ए इनवर्स गुणा ए एक्स बराबर गुणा ए बी ए इनवर्स, ये दोनों मिलकर आप जानते हैं ए इनवर्स गुणा ए होता तो क्या होता, आई आता, आई एक्स बराबर ए इनवर्स गुणा, और आई को किसी से भी गुणा कर दो क्या है वो तो वही बी होगा, एक्स एक्स है तो वन को किसी एक्स बराबर ए इनवर्स, एक्स बराबर क्या है, मुझे एक्स बराबर नहीं जाना है, ए इनवर्स गुणा बी, ए इनवर्स क्या है 1/14 और -2 -3 4 इंटू बी, बी क्या है -16 -6 7, इनको गुणा कर लो बी नो हो गई मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लीकेशन कर लो इसको इससे --32 +16
इसको इससे, इसको इससे, कितना होगा 12 + 2 = 20, इसको इससे 48 + 7 = 50, इसको इससे 18 + 2 चाहो तो इसका इसका डिवाइड कर लो, क्या कर लो, इससे डिवाइड कर लो, कितनी आएगी 2 - -2 - -2 यहाँ माइनस -2 और ये प्लस ये 10 कोई बात नहीं 10 बड़े 10 होगा मिस्टेक हुई जल्दी छोटी होगी ध्यान रखें तो ठीक है आप लोग वो जान गए आपका एग्जाम देना मुझे नहीं अब डिवाइड करने के लिए क्या रहेगा 6 2 2 5 2 11 ठीक है तरीका समझ में आ जाएगा कैसे किया अपने इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया अब एक्स क्यों नहीं मान लिया ए ढाला तो ए इनवर्स इधर भी इधर भी मल्टीप्लाई करो ये तो ये बनी क्या इसको ए इनवर्स इनटू ए क्या हुआ आई आई को किसी से तो एक्स आ जाएगा बट ए इनवर्स की वैल्यू निकाली इसकी पहले ए के साथ में कितना बार निकाला डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली फिर एडजॉइंट कैसे करता है इसको इधर और इधर चेंज एडजॉइंट इसमें ए के मॉड का ए के साथ का मान भाग दो तो ए इनवर्स इनवर्स इनटू बी कर ठीक इजी है नेक्स्ट देखो अब आ जाते हैं अपन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है 17 है कुछ कुछ ऐसा लेकिन ध्यान से समझो देखो 17 14 आप यू ए का ए क्या कर रहे हैं अब ये देखते हैं ये और बढ़िया क्वेश्चन ध्यान से समझो 1 2 2 3 फिर यहाँ ए आ गया और यहाँ क्या आया 4 7 3 बराबर में 1 0 0 ठीक है ध्यान दो मैंने इसको बी माना माना लेट बी इसको मान लिया 1 2 2 3 तथा एंड सी किसको मान लिया 4 7 3 ये तो आई है ये हो गया बी ए सी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बी को हटाने के लिए बी इनवर्स से गुणा सी को हटाने के लिए सी इनवर्स देखो दोनों पहले दोनों पक्षों को बी इनवर्स तथा सी इनवर्स से गुणा करने पर क्या होगा पहले आगे से तो बी इनवर्स से करो क्योंकि बी इनवर्स आगे बी है और पीछे से सी इनवर्स से करो क्योंकि आगे क्या है बी इधर भी होगा गुणा आई गुणा देखो पहले इन दोनों को देखो इन दोनों को देखो बी इनवर्स गुणा बी क्या है आई बताया था थोड़ा इन टू में ए सी इनवर्स गुणा सी क्या जाए बराबर आई को किसी से गुणा करो वो गुणा तो कभी आ जाता बी इनवर्स कौन सा बी इनवर्स आई को इससे करेंगे तो क्या रहेगा ए गुणा अब आई को फिर ए से करा ए बराबर बी इनवर्स गुणा ठीक है अब जानने देंगे अब ए का मान है ना कहते हैं बी इनवर्स सी इनवर्स बी क्या है ये अभी तो सबसे पहले क्या करेंगे बी क्या है 1 2 2 इसकी सारणी का मान
वन टू टू थ्री, इसको इससे अपनी बात करती रहेंगे, थ्री में थ्री इसको इससे माइनस टू टू माइनस एंड जॉइन बी क्या होगा मेरा दे थ्री वन इनके चेंज कर दो ठीक है। बी इनवर्स क्या हो जाएगा एट जॉइन बी अपॉन ठीक है एट जॉइन बी क्या थ्री माइनस टू माइनस माइनस से इंटू कर दो सबको करना पड़ेगा मैट्रिक्स से माइनस थ्री ये प्लस हो जाएगा वन से तो फर्क नहीं पड़ता ये प्लस हो जाएगा ऐसे सी क्या है सी फोर सेवन थ्री सी का सारणी का मान फोर सेवन थ्री इसको सेवन क्या है इसको ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी वन क्या गया इसलिए एडजॉइंट सी एडजॉइंट सी क्या हो इन दोनों को बदल दो इनवर्स फिर सी इनवर्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट सी अपॉन सी एडजॉइंट सी तो ये हो गई है और सामने माइनस से बना दोगे तो क्या माइनस फाइव सेवन थ्री अब समीकरण एक समीकरण एक में बी इनवर्स तथा सी इनवर्स का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स एंड सी इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट बी पहली इक्वेशन में रख दिया ए तभी जाएगा बी इनवर्स क्या माइनस थ्री टू टू माइनस बी क्या है सी इनवर्स है ना बी इनवर्स बड़ा सी इनवर्स और माइनस फाइव सेवन इसको इससे मैट्रिक्स वन इसको इससे माइनस थ्री फाइव फिफ्टीन और सिक्स इसको इससे माइनस ट्वेंटी वन माइनस एट माइनस ट्वेंटी वन इसको इससे माइनस टेन माइनस माइनस इसको इससे फोर्टीन प्लस अगली बात सुनने अच्छा क्वेश्चन था ये उससे भी बढ़िया था ये मैंने मुझे से अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा सेवन्थ का देखो क्या कह रहा है ध्यान से हाल ही ऐसा कर चुके हैं सेवन मैंने पहले दोनों को बताया जो आपने वैसे नहीं किए ठीक है अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर सेवन यदि ए दे दिया तो सिद्ध करना है इसकी सहायता से ए इनवर्स सबसे पहले ए क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर सेवन ए बराबर माइनस एट फाइव टू फोर ठीक है ए स्क्वायर प्लस चार ए माइनस फोर्टी टू आई बराबर एन एच एल ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फोर्टी टू आई ए स्क्वायर ए को ऐसे वो तो ए हो गया ये दोबारा ए स्क्वायर मतलब एक को ए से प्लस फोर इंटू ए माइनस एट फाइव फिर माइनस फोर्टी टू आई दूसरे क्रम की कई मैट्रिक्स होगी यूनिट मैट्रिक्स ये जीरो मैट्रिक्स को अपना इसको इस माइनस सिक्सटी फोर और सेवेंटी इसको इस माइनस फोर्टी प्लस फोर इसको इस माइनस सिक्सटीन प्लस टू इसको टेन प्लस सिक्सटीन फोर से इंटू करो माइनस थर्टी टू ट्वेंटी एट माइनस फोर्टी टू से
-42 -32 74 माइनस का इसमें जाएगा -20 + 20 जीरो और -0 हो गई -10 + 8
ये कटी जाती है खाने का पानी ए। अब एट जॉइंट ए निकालना दिखाते हैं, मैं दो बाय दो करूँगा, इस पर इसको बदल दो, वन प्लस बी सी अपॉन ए बाय, इनके चिन्ह बदल दो। अब ए इनवर्स क्या होगा, एट जॉइंट ए अपॉन एट जॉइंट ए, वन का भाग हो गया तो भी क्या है एक ही तरह का मान भाग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एट जॉइंट ए क्या बन जाएगा ठीक है। अच्छा अब क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ए ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस और आई माइनस ए। देखो एल एच एस देखा ए ए इनवर्स, ए ए इनवर्स क्या है, वन प्लस बी सी माइनस बी माइनस सी, ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या हो जाएगा, ये जैसे कट जाएगा क्या रहेगा, वन प्लस बी सी, इसको माइनस ए बी, इसको माइनस ए सी, इसको ये आ गया। आर एच एस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए आई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए आई का वन जीरो जीरो माइनस ए ए बी सी ए प्लस बी सी अपॉन दे, इसको पहले से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए ठीक है, जीरो से जीरो जीरो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस प्लस माइनस ए से गुणा करो तो प्लस हो जाएगा, मुझसे लोग माइनस से गुणा नहीं करो, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी ये गुणा हो तो माइनस एट माइनस फिर बदल गया, माइनस से तो ऊपर आ जाएगा पर ए से अब इनको जोड़ो ये कट जाता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस ए, इसमें जो है इनको बढ़ जाएगा क्या होगा, देखो एल एच एल और आर एच एल बराबर है क्या, एल एच एल और आर एच क्या है बराबर, एल एच एल बराबर आर एच एल, इसी खाली बात हो गए इसकी इतना ही है आज के लिए, अगले वीडियो में बच्चे कराएंगे उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा।